लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके सब कुछ मिल जाएगा। अगर हमें दिख जाता है जियो का राउटर, देख सकते हो कितना अच्छा कंडीशन में था वर्किंग। यहाँ पे जिम वालों के लिए डंबल्स वगैरह सब अवेलेबल है, देख सकते हो। ये भी मैंने पूरा कंप्लीट किया है, वो भी मेरे पीसी के अंदर। फिलहाल मेरे पास PS2 है नहीं। मैक्स पेन देख सकते हो, मैक्स पेन मंगाया था चोर बाजार इधर। सो गाइस, तो आज हम लोग आए हैं नागपुर के चोर बाजार में, जो कि लगता है एम्प्रेस मॉल के पास, वो भी हर सैटरडे को लगता है। यहाँ पे आपको लैपटॉप से लेके मोबाइल से लेके सब कुछ मिल जाएगा गाइस। तो बढ़ते वीडियो के अंदर देखते हैं क्या क्या है गाइस। सो हम लोग एक शॉप में रुके हैं, देख सकते हो गाइस, वहाँ पे एक डेल के मोनिटर्स वगैरह, लैपटॉप वगैरह, एंड सामने आके हमें दिख जाते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, और यहाँ पे फैंस वगैरह थे कंप्यूटर के, वॉचेस, टॉर्च, और यहाँ पे कैमरे भी है गाइस, CCTV कैमरा भी है, एंड यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स मिल रहे हैं, लाइट मिल रहा है गाइस। सामने जाके देख सकते हो, हमें दिख जाता है सेट टॉप बॉक्स, अभी टीवी के सेट टॉप बॉक्स थे गाइस, क्योंकि टीवी पे ही लगता है सेट टॉप बॉक्स, वो तो नॉर्मल सी बात है। मैं भी यहाँ पे कैमरा वगैरह थे पुराने वाले, यहाँ पे पुराने लैपटॉप्स भी अवेलेबल थे, वो चालू है कि बंद उतना पता नहीं, देख सकते हो पुराने एंटीक कैमरा और जो लाइट्स लगते हैं, मदरबोर्ड सब कुछ यहाँ पे थे। एंड यहाँ पे एक मॉनिटर भी था, जो कि देख सकते हो कितना अच्छा कंडीशन में, अब चालू है कि बंद है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ आके। एंड दो तो लैपटॉप भी पड़े हुए थे, अब वो वर्किंग है कि नहीं वो भी हमें पता नहीं है। एंड हम सामने जाते हैं, यहाँ पे कुछ एसेसरीज की दुकान थी, देख सकते हो यहाँ पे चार्जर वगैरह थे, कुछ पुराने मोबाइल्स थे बटन वाले। एंड यहाँ पे हमें दिख जाते हैं जियो का राउटर, देख सकते हो कितना अच्छा कंडीशन में था, वर्किंग होगा लग तो रहा है। फिर मैंने भैया को वापस दे दिया वो जियो का राउटर। एंड देख सकते हो कितना सारा सामान है यहाँ पे, चार्जर, वायर, बैटरीज, जियो का राउटर भी हमें दिख गया। हम सामने बढ़ते हैं तो हमें दिख जाता है ये MP3 प्लेयर, जो कि पहले बहुत ज़्यादा चलता था, देख सकते हो। पहले हम इसके अंदर वो सिम बोल रहे हो, मेमोरी डाल के हम इसके अंदर सॉन्ग प्ले करते थे हेडफोन लगा के, देख सकते हो। ये भी कितनी अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, बहुत कम रेट में मिल रहा है, ओनली 60-70 रुपीज़ में मिल रहा है। एंड यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह सब थे, देख सकते हो। यहाँ पे एक यूनिवर्सल अडाप्टर भी था, जो कि वो आईफोन्स वगैरह में लगता है। एंड यहाँ पे हमें दिख जाते हैं सेल्फी स्टिक, जो भी कि बहुत कम रेट में मिल रही थी, एंड ये वर्किंग थी, मैंने ट्राई भी किया था गाइस। अदर अप्लायंसेस भी थे, देख सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है स्पीकर, हेडफोन्स, ईयरफोन, ईयरपॉड सब कुछ थे एट चीपेस्ट प्राइस। सो गाइस, आप विजिट कर सकते हो, इसको लेना है। बस यहाँ पे अपने सामान का थोड़ा सा ख्याल रखना, कॉज ये चोर बाजार है, आपके साथ चोरी का हो जाए कभी पता नहीं सकते। एंड यहाँ पे हमें देख सकते हो कितने सारे रिंग्स वगैरह भी मिल रहे थे एट चीपेस्ट प्राइस, बहुत कम प्राइस में। सो यहाँ पे हमारे पास भैया थे, जो कि रिंग्स वगैरह सेल कर रहे थे। मैं बस चेक कर रहा था ये रिंग्स कितने की मिलती है, कैसी क्वालिटी है इसकी। तो गाइस, ये रिंग जस्ट 20-30 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। और ये रहे भैया, भैया को बोले हम कैमरे में वीडियो बना रहे हैं, भैया स्माइल कर रहे थे। एंड यहाँ पे जिम वालों के लिए डंबल्स वगैरह सब अवेलेबल है। एंड सामने आके आप देख सकते हो कितना सारा मार्केट है ना, यहाँ पे पार्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे नेटबैंड दिखा। एंड यहाँ पे मुझे एक पुराने वाला PSP भी मिल गया है, जिसके अंदर कैसेट डालते थे, जो कि मेरे पास भी था बहुत पहले। एंड ब्लूटूथ स्पीकर पार्ट्स की तो कचरा है गाइस। यहाँ पे बुक्स वगैरह देख सकते हो, कितने सारे बुक अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे हमें पुराने वाले प्लेस्टेशन, CD, कैसेट सब, जैसे कि मैं भैया को मांग रहा हूँ, ये पुराना वाला गेमिंग प्लेयर देख सकते हो, बहुत पुराना है, पहले बहुत ट्रेंडिंग था, बहुत महंगा मिलता था, इसके साथ कैमरा भी मिलता था। फिलहाल तो ये वर्किंग नहीं है, पर देख सकते हो अगर किसको रखना है बस शो के लिए, तो गाइस रख सकते हो। कंडीशन देख सकते हो कैसी है इसकी, इसको हम भैया को वापस दे देते हैं, कॉस्ट हमारे किसी काम का नहीं। बुक्स वगैरह भी थे एट लोएस्ट प्राइस, देख सकते हो कितनी सारी बुक्स है। एंड बुक्स के साथ साथ हमने कुछ नोटिस किया कि अभी प्ले स्टेशन की CD आती है, वो भी अच्छी कंडीशन में, पर हमारे पास प्ले स्टेशन 2 था नहीं। फिर भी हम चलते हैं, चेक करते हैं प्ले स्टेशन की CD कैसी है। सो हम भैया को बोलते हैं प्ले स्टेशन की CD दे दो, तो गाइस देख सकते हो हमारे पास फाइनली आ चुकी है प्ले स्टेशन की CD। सो देख सकते हो मेरे हाथ में वुल्फेंस्टीन प्ले स्टेशन 2 की CD, ये गेम मैंने खेला हुआ पूरा कंप्लीट किया है। वुल्फेंस्टीन न्यू ऑर्डर भी आता है गाइस प्ले स्टेशन 2 में। यहाँ पे वुल्फेंस्टीन के साथ हमें मिल जाती है प्रिंस ऑफ पर्शिया की भी, बहुत सारी CD आती है प्ले स्टेशन 2 के। इसके साथ प्ले स्टेशन 2 है, डू विजिट करो, CD बहुत अच्छी कंडीशन में थी। यहाँ पे हिटमैन 2 देख सकते हो, ये भी मैंने पूरा कंप्लीट किया है, वो भी मैंने PC के अंदर। फिलहाल मेरे पास PS2 है नहीं। मैक्स पेन देख सकते हो, मैक्स पेन सबको पता है जिसने खेला है, रॉकस्टार का गेम है, बहुत सही गेम है। एंड ये सब मिल रहा था। यहाँ पे लैपटॉप देख सकते हो, सोनी का लैपटॉप, पुराने वाले मॉनिटर्स, ये सब तो यहाँ का कचरा है। मोबाइल्स भी अवेलेबल है, आपको चेक करके लेना पड़ेगा। पुराने एंटीक कैमरे भी अवेलेबल दिख जाएंगे इधर।
चार्जर्स देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक वैक्यूम क्लीनर भी दिखता है एट लोएस्ट रेट, क्योंकि ये चोर बाजार है गाइस। बुक्स वगैरह तो हर जगह मिल जाएंगी, जिसको नीट क्लियर करना है जाओ गाइस बुक लेकर जाओ, एक्चुअली नीट वगैरह की नहीं है, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे पुराना वाला एक लैपटॉप था जो कि टीवी में आता था, याद करो गाइस नापतोल के एडवर्टाइज में आता था ये लैपटॉप। एंड देख सकते हो यहाँ पे एक्सेसरीज पार्ट्स वगैरह, वो तो आप देख सकते हो, इसी दिख जाएंगे आपको। एंड मिरर्स वगैरह ये सब पार्ट तो नॉर्मली बहुत चीपेस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पे कंट्रोलर भी दिख रहा है हमें, पुराने एंटिक कैमरास भी है, अगर किसी को शौक है पुराने एंटिक कैमरा रखने का। फिलहाल मेरे हाथ में वो रिंग है, वो तो ऐसी ही मैंने पहनी रखी है, वो भी भैया की है। एंड यहाँ पे देख सकते हो वो रिंग छपरी दिख रही है, वो अलग बात है गाइस, उसको फेंक दिया है मैंने। एंड देख सकते हो कैमरा कितना अच्छा दिख रहा है। एंड यहाँ पे अदर अप्लायंसेस भी है, एंटिक चीज़ें जिसका शौक है एंटिक चीज़ें कलेक्ट करने का, वो डू विजिट करें, एम्प्रेस मॉल के पास लगता है शोर बाजार, हर सैटरडे को लगता है। अब हम बढ़ते हैं सामने, सामने देख सकते हो यहाँ पे थोड़े वो जो टेल लाइट्स वगैरह होते हैं वो आपको पता है कितने कॉस्टली आते हैं, यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, वो भी बाइक के लिए, पूरे के पूरे फॉग लैम्प फॉग लाइट जो भी है गाइस, बाइक कार सब के लिए हेवन है गाइस, बहुत सस्ते में मिलता है। सो डू विजिट करो। यहाँ पे हमें दिख गए मिरर, मिरर में हम निकाल रहे थे सेल्फी, देखो मैं और मेरा भाई यहाँ पे आए थे व्लॉग बनाने के लिए। सो यहाँ पे भैया के पास थे टेल लाइट वगैरह, हम फिर से वापस आ चुके भैया के पास, भैया हंस रहे हैं कैमरे में देख के गाइस। सो गाइस फिर से आ चुके मिरर के पास, मिरर देख सकते हो, मिरर बहुत सस्ते में मिल रहे थे। एंड बढ़ते हैं सामने, सामने ट्रिमर्स वगैरह दिख जाते हैं चीपेस्ट रेट, मोबाइल्स वगैरह चेक कर सकते हो। भैया को हम दिखा रहे हैं जैसे कि वो लाइट वगैरह दिखा रहे हैं, मोबाइल होल्डर मोबाइल स्टैंड सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। लाइट्स का तो कचरा है, लाइट्स से चीपेस्ट रेट ऑल वर्किंग चेक करके दे रहे हैं। यहाँ पे बाइक्स के लिए पार्ट्स वगैरह के एटीएम के पार्ट्स देख सकते हो, शर्ट्स टी शर्ट ये तो छोड़ ही दो गाइस, बहुत सस्ते में मिलता है। अब हम बढ़ते हैं सामने, सामने आते बराबर हमें दिख जाते हैं शूज़, शूज़ देख सकते हो मेरे पास ओरिजिनल है, और देख सकते हो नकली शूज़ ले सकते हो आप। वॉचेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, प्लेंटी ऑफ वॉचेस की क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे बड़ी सी टीवी भी थी, वॉचेस देख सकते हो। एंड यहाँ पे हमें पुराने वाला स्पिनर भी दिख जाता है, देख सकते हो यहाँ पे सामने में हमारे पास है स्पिनर, मेरे पास वो सेम स्पिनर था। एंड यहाँ पे पुरानी चीज़ें जो लाइट से चलने वाली बोट थी, मीन्स आग लगा के चलने वाली बोट थी, वो भी अवेलेबल है। फिलहाल तो मैं वॉइस ओवर कंटिन्यू में कर रहा हूँ, कॉज मुझे कुछ इसके अंदर मिस्टेक भी होंगे तो चलेगा। यहाँ पे स्पिनर भी है, चीपेस्ट प्राइस मिल रहा है, खिलौने वगैरह। यहाँ पे एक जड़ी बूटी वाला दिख जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो सामने में एनविल रखा है, जिसके ऊपर तलवार ये की जाती है, सिलाई मशीन है एंड अदर सामान है, आप आके चेक कर सकते हो। छोटा सा वो एक स्क्रीन टाइप दिख रहा था, आई थॉट कि वो लैपटॉप है, पर लैपटॉप नहीं था, वो कुछ स्क्रीन थी जो कि यूज़ होती है। पार्ट्स हैमर्स वो सब तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे नॉर्मली। एंड देख सकते हो ये एम्प्रेस मॉल के जस्ट सामने लगता है। सो गाइस आप आ सकते हो इजीली, लोकेशन तो बताने की जरूरत नहीं, एम्प्रेस मॉल नागपुर आप गूगल करो, सर्च करो, कहीं भी किसी से पूछ के भी जा सकते हो, सैटरडे को लगता है। एंड यहाँ पे कपड़े की शॉप्स वगैरह थी, छपरी कपड़े मिलते हैं, वो अलग बात है, अगर आपको लेना है आप ले सकते हो सिलेक्ट करके, थोड़े बहुत तो जो अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे हेलमेट वगैरह थे, तो ये भाई था इसकी बात भी सुन लेते हैं। सो गाइस आप जिम वालों के लिए कुछ खाना था, पता नहीं ये चोर बाजार में कहाँ से आ गए। पार्ट्स वगैरह थे नॉर्मली। एंड यहाँ पे टायर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, हर एक टाइप के गाड़ियाँ बहुत आती है, बहुत रश रहता है, अपना सामान अच्छे से रखो अगर आ रहे हो तो, वही कहना चाहूँगा मैं। एंड यहाँ पे पार्ट्स वगैरह तो प्लेंटी ऑफ मिल जाएंगे चोर बाजार में। अब मुझे इतना नॉलेज नहीं है बाइक का, मतलब बाइक पार्ट्स का नॉलेज नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे बॉडी स्केट्स वगैरह अलग अलग बेच रहे हैं, सो आई डोंट नो अबाउट दैट। सो आप विजिट करके ले सकते हो जो लेना है। यहाँ पे प्लेट्स वगैरह सब कुछ थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, पार्ट्स का तो कचरा है, इधर देख सकते हो बाइक्स पार्ट्स का। एंड पूरा का पूरा आप देख लो, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं एंड करता हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है, वीडियो भी लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उसका सेकंड पार्ट भी ला लेंगे।